हमारे भाई और हमारे को जो इनका आशीर्वाद मिला है श्री राम जी बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर और गडकरी जी का तो मुझे याद है जब के अध्यक्ष थे मेरे को उन्होंने बीजेपी के समय सरकार राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। पहले मैं हेवी इंडस्ट्री सेल का था, मेरी जब बात हुई बोले उनका भी हेवी इंडस्ट्री का मैं छोटा एमएसएमई का सेल बनाओ, तो उनकी सोच आज नहीं तब से जब ये पार्टी के प्रेसिडेंट थे तब से ही आप लोगों के प्रति समर्पित थी। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी का कि जैसे क्रिकेट में विराट कोहली और धोनी मिल जाए, हमें एमएसएमई सेक्टर को ऐसे मंत्री मिले हैं जिनके प्रति हमें आसान है कि चौके छक्के लगा के संतुलन बना के हमारे जो सेक्टर को कहां से कहां ले जाएंगे। उसके बाद हमारे भाई सतीश महाना जी हैं, ये जो कार्यक्रम पांच साल से भाषण हो रहा है ये इनकी जो बदौलत हो रहा है, मैं ये बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि पहले ये उद्योग मंत्री थे, एमएसएमई इनके पास नहीं था, तो मैं ज्ञान देते गया वो किचोरी जी के पास, मैं कहती मुझे नहीं पता ये आप देखो, कहते मेरे मन में एमएसएमई के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण है। और यूपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हुए उन्होंने दिल्ली में हमारा सहयोग किया, सबसे बड़ा सहयोग भाई साहब इनका है, मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड अवर ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ इसराइल, भारत का अगर सबसे बड़ा मित्र द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया इज इसराइल, अभी पाकिस्तान को भी ये झंझट था कि इसराइल मस्ट बी इन्वॉल्व इन डूइंग ऑल दिस, यू नो, सो दिस इज अवर एवरीबॉडीज हैप्पी विश इन एसएमई सेक्टर इसराइल डूइंग टू बी वेरी वेरी वाइटल फॉर इंडिया। एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही सेड कम ऑन कोलैबोरेट विद अस, वट एवर टेक्नोलॉजी वी हैव वी विल गिव एंड वट एवर वी कैन टेक फ्रॉम इंडिया वी विल टेक फ्रॉम दिस सेक्टर। सो टुडे वी आर ग्रेटली प्रिविलेज्ड द टॉप लीडरशिप ऑफ अवर कंट्री हैविंग इमोशनल अटैचमेंट विद अवर सेक्टर। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और नहीं बोलूं, जिन लोगों को आप सुनने के लिए आए हैं उनको सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर फोरम की ओर से और आप सब की ओर से इनका आभार प्रकट करता हूँ, अपने व्यस्त समय में से इन सब ने समय निकाला इन दिन मेडी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मोदी जी के नेतृत्व में उसी लाइन के ऊपर चलने का हमने काम किया। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सपना होता था, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में सबसे लास्ट प्रिफर्ड एरिया होता था, लेकिन आज इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि दो ढाई वर्षों के कालखंड के अंतर्गत देश इंडस्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए सबसे प्रेफर्ड एरिया अगर कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश कहा जाता है। हमने विगत वर्ष के अंतर्गत जो हमारे एक्सपोर्ट की अगर बात करें पूरे देश की, तो लगभग 28% ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट से उत्तर प्रदेश के लिए। अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, देश में हर स्टेट एक दूसरे के मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं करते क्योंकि सबका अपना अपना काम है, 12 से 13% से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे पास उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के लिए। आज इंडस्ट्रीज के लिए एक माहौल है यूपी में आने का। पिछले साल फरवरी 2018 में हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था जिसमें देश और दुनिया के लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश भी ऐसा इन्वेस्टर समिट कर सकता है क्या। हमने लगभग 4,28,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। यहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कि जितने एमओयू होते हैं कितने मूर्त रूप में उतरते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि 21 और 22 फरवरी को जो इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, पिछले साल 29 जुलाई के 5 महीने में ही हमने लगभग 62,000 करोड़ रुपए का भूमि पूजन 81 इंडस्ट्रीज का किया। और आज जिस हमें दूसरा इंडस्ट्री ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी गई जिसमें भारत के माननीय गृहमंत्री जी उपस्थित थे 28 जुलाई को, तो एक साल में हमने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज करी और हमने लगभग इन 2 वर्षों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसका जिस समय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय मंच के ऊपर से इस बात को कहा तो उससे हमारे को ऊर्जा देता है काम करने का। हमारे को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है, कोई विजन लेना होता है, कोई इनोवेशन की बात होती है, तो हम आदरणीय गडकरी जी के पास जाकर इसे मार्गदर्शन लेकर हम अपना काम करते हैं। हमारे सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसके कारण उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेफर्ड एरिया बना है।
मुराद लोगों से निवेदन करने का समय किसी में है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे माननीय दोनों महानुभावों का किसी भी व्यस्तता के बावजूद भी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। अभी 3 बजे से उत्तर प्रदेश का एक सेशन होगा, उसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नवनीत जी पूरा उत्तर प्रदेश के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। कृष्णा से सेशन भी होगा, उसमें पूरी डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे 3 बजे से। इसीलिए मैं केवल इतनी बात कहकर कि आप सब लोग 3 बजे के उत्तर प्रदेश के सेशन में उपस्थित हों। उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई है, नए एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूपी नाउ, तो उसमें आप सब लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है और सरकार आपके साथ मजबूती के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। मैंने एक बात को कहा था, उत्तर प्रदेश आपके लिए संसाधन जुटाने के लिए तैयार है, आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, हम आपको सुरक्षा देने के लिए। जो देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे एमएसएमई और एसएमई, इसकी प्रगति और विकास के ऊपर ही देश का विकास डिपेंड होता है। हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई का एसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन 29% है और जो रोजगार आज तक निर्माण किया गया है वो 11 करोड़ है। हमारे एक्सपोर्ट में 40% एक्सपोर्ट ये भी एमएसएमई का और एसएमई का है और इसलिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने ये हम सबके सामने टारगेट रखा है कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और इसलिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनानी होगी तो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में हमको 29% के बजाय 50% तक उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन करना होगा। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और 11 करोड़ रोजगार अभी हुए हैं और हमको 5 करोड़ रोजगार इस समय देश में खड़े करने हैं 5 साल के अंदर, तो 5 करोड़ नए रोजगार निर्माण करना है तो स्वाभाविक से 11 करोड़ अभी है तो कम से कम 15 करोड़ तक रोजगार निर्माण करना और 50% देश के विकास में ग्रोथ में हमारे उद्योगों का कंट्रीब्यूशन लाना और हमारा एक्सपोर्ट का 50% हमारे एमएसएमई और एसएमई के द्वारा होना ये टारगेट है और ये जब पूरा करेंगे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। और इसीलिए हमने 2-3 निर्णय किए हैं कि एमएसएमई की 2 प्रमुख समस्या है। पहली समस्या मार्केटिंग की है, आप में से सब लोगों को पता है कि चाइना की जो ग्रोथ हुई उसमें अलीबाबा जो पोर्टल बना मार्केटिंग पोर्टल ई कॉमर्स का उसका बहुत बड़ा योगदान है और उसकी बहुत बड़ी क्षमता है। उसके साथ साथ अमेजॉन का कितना बड़ा टर्नओवर है आपको पता है और हमने पहला निर्णय किया है कि भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो जेम है उनके साथ मिलकर हमने एग्रीमेंट किया है और नया मार्केटिंग पोर्टल ई कॉमर्स का भारत ट्रैक ये नाम अभी रखा है, शायद आगे इसमें कुछ सुझाव भी मांगे लोगों से, तो भारत ट्रैक इस नाम से हम हमारा ई पोर्टल अलीबाबा और अमेजॉन जैसा देश में निर्माण करेंगे और 2 साल में कम से कम 10 लाख करोड़ का टर्नओवर इस पर करने का हमने टारगेट रखा हुआ है, तो मार्केटिंग के लिए सुविधा मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो माल सप्लाई करते हैं उसका पेमेंट समय पर नहीं मिलता। एक्सम समिट में इस विभाग के यशस्वी और देश में इनोवेशन के काम करने वाले माननीय नितिन गडकरी जी, इजराइल के एम्बेसडर साहब सतीश जी, रजनीश जी, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस एसोसिएशन के माध्यम से इस फेयर का आयोजन किया। इस देश के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अगर सबसे मजबूत इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो ये इंडस्ट्री सेक्टर कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब मिलकर
इस सेक्टर के माध्यम से देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम भी करेंगे और हमारी इकोनॉमी को, हमारे निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ाने में भी आपका योगदान होगा। मेरा आज गला खराब है, लेकिन आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सूक्ष्म लघु मध्यम इंडस्ट्रीज के माध्यम से जब कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सर्जन करने की आपकी इंडस्ट्रीज है। आप माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस सेक्टर को बहुत सुविधाएं दिए और निश्चित रूप से इसमें और इनोवेशन कर नए स्टार्टअप करके आपको इसको ऊंचाई में ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।